खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। हाथरस कांड मामले में निकाला गया कैंडल मार्च, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि बदोसरा रामसेवक चौक पर कैंडल मार्च का आयोजन हाथरस कांड में मृतकों की आत्मा के शांति के लिए कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रहकर आयोजन किया गया। इस मौके पर एब्जा संगठन के तहसील अध्यक्ष यश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में करीब 124 लोगों की मौत को लेकर पत्रकार संगठन ने मृतकों के परिवारों के लिए कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। हाथरस में हुए हादसे को लेकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की, तत्पश्चात कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आदि पत्रकार मौजूद रहे। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार साथियों के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये है, जो हाथरस में नारायण भोले के द्वारा जो कार्यक्रम एक जनसभा की जा रही थी, जनसभा के दौरान वहाँ पे काफी लोग मौजूद थे, हजारों की संख्या में भक्तगण वहाँ पर उपस्थित थे, और नारायण भोले बाबा जो वहाँ पर एक कार्यक्रम लगाए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पैरों तले की जिसको मिट्टी मिल जाएगी, समझो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, उनको स्वर्ग नसीब हो जाएगा। उनके पैरों की मिट्टी लेने के लिए सभी भक्त दौड़े एक राय होकर के। कई वहाँ पर हिंदू भाइयों की मौत हो गई, कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कई लोगों के परिवार उजड़ गया, काफी लोग दुखी हो गए, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हाहाकार हो गया कि इतने साथ एक मौतें हो गई हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि दोषी बाबा के ऊपर कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द कटघरे में ला करके उनको सजा दी जाए। और जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उनको मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और जितने भी चोटिल लोग हैं उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाए हमारे हिंदू भाइयों के लिए। ये जितने लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके सभी परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इसी को लेकर के मैं मौन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हाथरस के सभी भाइयों के लिए कैंडल मार्च निकाला हूं, उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया हूं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द दोषी बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।